गया पता नहीं क्योंकि ये वट एवर बच्चे आके सही बताएंगे। देखिए यहाँ नाश्ते ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के नाश्ते में दो तरह के राइस हैं और हमें कई जगहों पे राइस भी मिले थे। ये ग्रेवी है और ये कैबेज पोटैटो करी है अगर आप राइस के साथ खाना चाहें। अच्छा हमें बताया गया है कि ये सब हलाल है। फिलहाल मैं यहाँ हमेशा की तरह एक साथ नाश्ता करती हूँ, ब्रेड बटर जैम एंड कॉफ़ी। ये सब वही है कि जो हम खाते हैं हम दिखाते हैं। बेटा मेरा बहुत इंजॉय कर रहा है इन चीज़ों में और शाहना भी ओके अपने घर में बनाती रही हूँ। बड़े मज़े की सॉस होती है और ये लोग थोड़ा सा चिली ज़्यादा खाते हैं, मतलब तीखा सालन खा लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और ये क्या है, राइस पोरेज है, दिखा सको और नाश्ता। बाहर की बड़ा अच्छा व्यू है, सुबह का वक्त है। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, शायद मैं आपको दिखा सकूं तो आप देखें सुबह का मौसम है, बहुत ही शानदार है। फिलहाल चले फिर मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। देखते रहे सिमी खान किचन से सिमी खान का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नाश्ते के बाद हम लोग आ गए, कहाँ आए हैं ना, ये आए हैं आप लोगों को अगर मैं दिखा सकूँ, टाया सिटी। और आज हमारा यहाँ पे लंच तक, सुपहर तक यानी कि इवनिंग तक हम यहीं हैं। और क्या एक्टिविटी है मे भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और मे भी ना दिखा सकूँ। हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मौसम बहुत हसीन हुआ हुआ है इधर का, और जैसे कि हमें थी कि बारिश वगैरह का जो इशू था, सॉरी गर्मी बहुत है लोग कह रहे थे हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, तो अभी तक हमें ऐसा कुछ यहाँ फील नहीं हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चले फिर हम बच्चे जो है मेरे टिकट्स ले रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो देखते रहे सिमी खान किचन से व्लॉग, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। ये हमें उन्होंने स्टिकर क्या कहेंगे, रिबन लगाया है फॉर आइडेंटिफिकेशन कि हम लोग इस एडवेंचर के लिए हैं, ताकि वी विल बी एक्सेस टू इट। तो अभी थोड़ी सी हल्की सी गर्मी फील हो रही है और अब हम शायद आपको इससे ज़्यादा ना दिखा सके। बहुत खूबसूरती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, तो आप लोगों के लिए। तो देखते हुए सिमी खान किचन से ये आज का ब्लॉग, आई डोंट नो मैं अभी फिनिश करती हूँ या नहीं। तो बेशुमार खूबसूरती नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नंबर वन फाइनली हम बैठ गए और अब यहाँ से हमारी राइड होगी। तो अब मैं जा रही हूँ बेल्ट वगैरह पहनने, और इतना मैं दिखा नहीं सकूँगी, फ़ोन रखने का ऑर्डर आ गया मेरी फैमिली की तरफ से। चले फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। अच्छा इस स्पीड बोट के साथ अब यहाँ तक आ गए और ये हमारा अच्छा ये हम इस स्टेशन पे आए। अब हम लोग ये वाली एक्टिविटी करेंगे, हम जब ऊपर हाइक पे जाऊंगी तो मैं नहीं दिखा सकूंगी आपको, मैं और मेरी फैमिली हम यहाँ पर हैं। लैंडिंग यहाँ पे होगा, लैंडिंग। अच्छा लैंडिंग जो है यहाँ पे होगी, क्योंकि अभी हम बिजी हो जाएंगे, मोबाइल अंदर चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह शायान लोग अभी निकल गए हैं, मेरी फैमिली के कुछ और लोग, मैं आप लोग के साथ ये सीन शेयर करने बैठ गई हूँ और अब मैं भी जा रही हूँ। हमने टिकट्स ले लिए हैं और अब तैयारी शुरू हो गई है। बेहद खूबसूरत सी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और ये माहौल देखें, अगर आप लोग जब भी आएँ अपनी फैमिली के साथ
तो एक्टिविटी करना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि आप बैंकॉक क्यों जा रहे हैं और पटाया क्यों जा रहे हैं, लेकिन जो फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बेस्ट खाना। और ये देखें, ये तफरीगाहें, आप हमारे बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं और उनको एक बहुत अच्छा सा वेकेशन मिलना चाहिए, और हम उन्हें लेकर आए हैं हमारी फैमिली। और ये कि मैं आपको इतना दिखा नहीं सकूँगी क्योंकि अब हमारा जो फ़ोन है वो मेरा स्पेशली अब वो जा रहा है लॉकर में। तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकूँगी एक्टिविटी, लेकिन ये है कि आपको ये देखें आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अंडर वाटर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और पता नहीं क्या क्या राइड्स हैं, वो तो अभी मेरे बच्चों को देखती हूँ घूमती हूँ तो फिर वही बताएँगे। मौसम देख रहे किस कदर खूबसूरत हुआ हुआ है। ये शयान को पकड़ के लाई हूँ, ये अभी अपने दो टिकट। सब बेटा क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? पैरासेलिंग कर रहे हैं, पैरासेलिंग कर रहे हैं, जेट स्की भी कर रहे हैं, और हम लोग अंडर वाटर भी वॉक करेंगे, और हम लोग बनाना वो भी करेंगे, सेल करेंगे। और वो जो जेट स्की, जेट पता नहीं क्या है। और मैं तो बहुत घबराई हुई हूँ, हमेशा की तरह मैं हमेशा घबराती हूँ और बड़ी रो पिट के जाती हूँ, लेकिन फाइनली मेरी फैमिली ने तो मुझे फुल जिसको कहते हैं क्या क्या माइंड मेकअप किया है। ये देखिए बस इस तरह की हमारी चीज़ें होंगी, और बाकी जो अंडर वाटर पर हम जा रहे हैं वो आई डोंट नो कैसे हम करेंगे, कैसे दिखाएंगे आपको। चले जी, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत एक्साइटमेंट है। और आप जब भी वेकेशन पे आएँ तो कोशिश करें जो फैमिली वाले हैं वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लाएं जहाँ पे आप लोग एक्टिविटी कर सकें। बेसिकली हमारा जो बाहर आने का और वेकेशन पे बच्चों को लाने का मकसद ये है कि एक्टिविटी करें। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेट है, और यकीन करें कि लग ही नहीं रहा है कि हम बैंक वो क्या है थाईलैंड में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश में ही हैं। खाना को ये जैकेट वगैरह पहना रही है, मुझे आप लोग देख नहीं सकेंगे क्योंकि ये मेरा मोबाइल जो अभी हम पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट, इट्स गोना बी रियली फन, दिस थिंग इज रियली हैवी ऑन अस। कैसा फील कर रहा हूं? अच्छा, अभी मेरा मोबाइल जा रहा है, आप लोग मुझे नहीं देख सकेंगे क्योंकि मेरी कौन बनाएगा यार, लेकिन मैं किसी को मोबाइल पकड़ा के जाऊंगी, कोशिश करती हूँ। ओए शाली, ओ जबरदस्त, ये बात हुई ना खाना की शूटिंग पूरी। शाली के टाइम पे मुझे लग रहा है मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई हूँ। ये देखिए इसकी लैंडिंग हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, लकी गर्ल। मामा भागे, छोड़ दे यार। हाँ सही था, पानी ऊपर से देखा है और अब हम डीप वाटर में जाएंगे इंशाल्लाह। हाय हाय, मत पूछें जो हाल हुआ, लेकिन बहुत अच्छा आया, अच्छा था, बहुत मज़ा। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।